पहाड़ों पर होने वाली तेज बारिश से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। हमने कल के ही वीडियो में ये भी बात की थी कि किस तरह से टिहरी गढ़वाल के बिलंगना विकासखंड के बूढ़ा केदार में बारिश आफत बनकर बरसी है। बादल फटने से यहाँ पर दो दिनों से लगातार काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। कल दोपहर को भी यहाँ पर एक और दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। भूस्खलन का ये वीडियो आप देखिए, ये तस्वीरें हैं बूढ़ा केदार के तिनगढ़ गांव की, जहाँ दोपहर को अचानक से गांव के ऊपर वाली पहाड़ी से मलबा गांव में आ जाता है। इस भूस्खलन में गांव के करीब 15 घर मलबे में दब गए। हालांकि राहत की बात ये रही कि प्रशासन की टीम ने गांव को पहले ही खाली करवा दिया था, जिससे कोई बड़ी हानि नहीं हुई। जब सैलाब गांव के ऊपर आया तो घरों में कोई नहीं था, सभी घर खाली थे। जान का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माल का नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। सोचिए कि जिंदगी भर की मेहनत से गांव का कोई व्यक्ति अपना घर बनाए और इस तरह से अचानक एक सैलाब, एक मलबा आ जाए और उसका घर उसमें दब जाए। देखो इस प्रकार से गांव को, पूरे गांव को दफन कर दिया इसने। ओ बेटा भागो, ये सारा आ रहा। वहीं तिनगढ़ गांव के प्रभावित लोगों को बिनाखाल इंटर कॉलेज में शिफ्ट किया गया है। टिहरी के डीएम भी मौके पर पहुंचे, प्रशासन की पूरी टीम पहुंची, राहत और बचाव का काम तेजी के साथ किया गया। आपदा को देखते हुए बिलंगना ब्लॉक के आंगनबाड़ी केंद्रों को और पहली से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को अगले 3 दिनों तक बंद रखने को भी कहा गया है। इससे पहले दिन भी पास वाले ही गाँव तोली में रात को अचानक से ठीक इसी तरीके से कुछ भूस्खलन हुआ था। भूस्खलन का मलबा इस दौरान एक घर में घुस गया था। इस घर में कुल 5 लोग थे, जिनमें से एक महिला और उसकी बेटी की घर के अंदर मलबे में दबने से मौत हो गई। साथ ही भिगुन गांव में भी काफी ज्यादा नुकसान की खबर सामने आई। भिगुन गांव में मलबा स्कूल की दीवार को तोड़ते हुए उसके अंदर घुस गया। कई सड़कें टूट गई हैं। पहले दिन आई आपदा में गांव वालों के ज्यादातर खेत बह गए। डीएम मयूर दीक्षित का यह भी कहना है कि गांव में लोगों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी ने जो रोड काटी है उससे गांव वालों को काफी ज्यादा समस्या हुई है। रोड कटिंग की वजह से ही गांव में पानी ज्यादा घुस आया है। देखिए, जो घनसाली बालगंगा में काफी विलेजेस का विस्थापन ऑलरेडी हो गया है, लेकिन जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, इस गांव में भी एक जैसे कि मलबा आया जो घर में, उसकी वजह से दो हम जान गंवानी पड़ी। और इसके ऊपर इन जो यहाँ पे ग्रामीण लोग हैं, उनका कहना है कि जो पीडब्ल्यूडी ने रोड काटी है, जो अभी कच्ची सड़क स्वीकृत है, उस कच्ची सड़क की वजह से जो मलबा है ऊपर, जब बारिश ज़्यादा हुई है, बादल फटे, तो उससे पानी ज़्यादा गाँव में है। तो इसके बारे में पीडब्ल्यूडी ने जो अभी सूचना दी है कि उनके द्वारा मलबा अभी हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन बारिश की वजह से वो नहीं कर पाए। लेकिन तत्काल यहाँ पर जो सुरक्षात्मक दीवार बनाने का कार्य है, जो गाँव के लोग मांग कर रहे हैं, उसको हम प्रारंभ करेंगे। और साथ ही जो ऐसे घर हैं जहाँ पे ग्रामीणों ने मांग करी है कि हमें असुरक्षित महसूस हो रहा है घर में, उनको सुरक्षित स्थानों पर भी शिफ्ट किया जाए। गांव के भी लोग ये कहते हैं कि पहले भी उन्होंने रोड कटिंग के दौरान कुछ पक्की व्यवस्था करने को कहा था, लेकिन उस वक्त उनकी किसी ने सुनी नहीं। किसी का वो हो जा रहा नुकसान है, तब खूब आ रहे। पहले जब किसी ने मांग की तब कोई परवाह नहीं की, तब सुना गाड़ी चलाई और भाग गए। कल पिछले साल भी तो आए थे, हमने मांग की थी कि अभी रोक लो इस काम को, अगली बार पक्का काम होना चाहिए, फिर भी उन्होंने जाले लगाए। देखो तो किसी के, वो आज ऐसा नहीं होता तो किसी की जान भी नहीं जाती है। किसके द्वारा जाले लगाए? किसने? ठेकेदार ने। रोड नहीं आती तो हमें नहीं थी रोड की जरूरत, हमने मना कर लिया था, रोक भी लगाए उधर, तब इन्होंने रात को चलाई जेब से, तब रात को कराए काम। हमारी मांग है कि हमें कहीं जगह दो, हमारे रहने का खाने की व्यवस्था करो, बस हम कुछ नहीं जानते, हमें रात को यहाँ रहना ही है। पहाड़ों में आप अपने आसपास ही देख लीजिए, जहाँ जहाँ पर सड़कें कट रही हैं, वहाँ वहाँ पर पहाड़ भी खिसक रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बूढ़ा केदार क्षेत्र में आई आपदा की जानकारी ली, पूरी रिपोर्ट उन्होंने अधिकारियों से ली। आपको बता दें कि इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में है, जहाँ पर उन्होंने नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया। सीएम धामी ने गढ़वाल कमिश्नर और टिहरी के डीएम को राहत और बचाव कार्य प्रभावी तरीके से चलाने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने प्रभारी मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को घटनास्थल पर पहुंचकर हालातों की समीक्षा करने को भी कहा है। सीएम ने यह भी निर्देश दिए हैं कि प्रभावितों को चिन्हित कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जाए। वहीं तोली में जिस मां बेटी की मलबे में दबने से मौत हो गई थी, उसके परिवार को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के चेक भी दिए गए। साथ ही आवास क्षति के लिए 1,35,000 का चेक दिया गया, यानी कि कुल मिलाकर के 9,35,000 के चेक प्रभावित परिवार को दिए गए। यही नहीं, धर्मगंगा नदी के उफान पर आ जाने से यहाँ पर भी एक माँ बेटी नदी के तेज बहाव में बह गए। बूढ़ा केदार से 6 किलोमीटर दूर झाला पुल के पास नेपाली मूल का मजदूरों का एक परिवार कच्चे मकान में रहता
बहता था। नदी में बहाव तेज हुआ तो माँ बेटी इसमें बह गए। इसके अलावा भी उत्तराखंड के कई जिलों में बाढ़ और भूस्खलन की खबरें सामने आई, कई तस्वीरें सामने आई। कई सड़कें बंद है जिनको खोलने की कोशिश की जा रही है। रुद्रप्रयाग से भी भूस्खलन का एक वीडियो सामने आया था, जहां पर सोनप्रयाग शटल पार्किंग के ऊपर चट्टान गिरने का ये वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि यहां पर भी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले से ही एहतियात के तौर पर सभी यात्रियों को सतर्क कर दिया गया था, ट्रैफिक को रोक दिया गया था। इसके अलावा उत्तरकाशी जिले में भी आपदा आई है। यहां पर ग्राम पंचायत भेंगोली के गुड़ना गांव में अतिवृष्टि से गांव के संपर्क मार्ग, दो पुलिया, पेयजल की लाइनें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। साथ ही खेतों का कटान हुआ और परिसंपत्तियों का भी नुकसान हुआ है। प्रदेश भर में आज यानी कि रविवार के दिन भी खूब बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से देहरादून समेत उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जबकि हरिद्वार, उधम सिंह नगर, टिहरी, पौड़ी जिले के अलावा अन्य जिलों में भी कई दौर तक तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। आने वाले दिनों की अगर बात करें तो 31 जुलाई तक सभी जिलों में तेज बारिश होने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। मौसम विभाग की ओर से सभी जिलों के लिए इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। सावधान रहने को भी कहा गया है, इसीलिए आप भी सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक की तरह अपने आसपास के लोगों को भी सतर्क रखें। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।